कोरोना संक्रमण के बाद राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दी गई रियायतों के चलते धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौट रही है, पर दुकानों में वीरान का आलम अभी भी छाया हुआ है। व्यापारी भाई दीपावली को एक बड़े लक्ष्य की तरह मनाकर महीनों पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं और दुकानों की साफ सफाई और नई खरीदारी कर सीजन की पूर्व तैयारी करते हैं। परंतु इस वर्ष संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के चलते बड़ी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। एक और अनेकों को जहां अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, तो दूसरी ओर इस वर्ष हुई भारी बारिश के चलते किसानी भी दम तोड़ती नजर आ रही है। साथ ही खेतीहर मजदूरों को भी रोजगार प्राप्ति नहीं हुई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो खेतीहर मजदूरों को रोजगार और किसान भाइयों के सोयाबीन और कपास की कुछ फसल उनके हाथों में होती और यह पैसा बाजारों की रौनक बढ़ाता। गरीबों से गरीब इंसान दीपावली के अवसर पर अपने परिवार के लिए खरीदारी करता ही है, किंतु इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाजार और सड़कों पर भीड़ तो उमड़ रही है, पर ग्राहक की नदारद है। क्या कपड़ा, क्या रेडीमेड, जनरल या हार्डवेयर, या चाहे होटल व्यवसायी हो, सभी व्यापारी भाई हाथ पर हाथ धरे ग्राहकों का इंतजार करते नजर आते हैं। दीपावली को मात्र 2 दिन शेष होने पर भी व्यवसाय में तेजी न आने व्यापारी भाइयों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जो दुकानें पहले ग्राहकों से खचाखच भरी रहती थी, वह अब इक्का दुक्का ही ग्राहक नजर आते हैं। ऐसे में एक और महंगाई जनता के हाथ खाली और दीपावली का मौसम लगता है। इस वर्ष कई व्यापारियों का दिवाला निकल कर ही दम लेगी। दीपावली के अवसर पर हर घर की साफ सफाई, रंगारोगन एवं छतों पर जगमगाती लाइटिंग तथा रंगोली से सजे आंगन और पटाखों की आतिशबाजी इस त्योहार की विशेषता रहती है। पर आज की घड़ी में इन दुकानों पर भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप देखा जा सकता है, तो वही पटाखों की आतिशबाजी पर भी सरकार ने इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते बंदी लाद रखी है, जिसके चलते पटाखा व्यवसाय तो बुरी तरह से प्रभावित होना तय है। एक और कोरोना संक्रमण काल में जारी लॉकडाउन और अनलॉक के चलते पिछले 8 महीने से सभी छोटे बड़े स्थायी दुकानदारों का व्यवसाय बंद रहने से उन्हें आर्थिक तंगी का बुरी तरह से सामना करना पड़ा है। आशा थी कि पिछले 8 महीने में बिखर चुका व्यापार इस दिवाली कुछ हद तक सुकून देगा, किंतु ऑनलाइन खरीदी के बढ़ते प्रमाण ने सभी व्यवसायियों की कमर ही तोड़ दी। इसका कारण, मुख्य कारण तो है कोरोना की। इससे पैसा किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कास्तकार बोलो या दुकानदार बोलो, सब खाली पड़े हैं। गिराकी बाहर रस्ते में तो बहुत पब्लिक थी, मगर दुकानदारों में गिराकी है। हाँ जी हाँ, बराबर है। बारिश ज़्यादा हुई, उसके से फसल नष्ट हो गई है। बस ये बचे हुए 2 दिन देखना है, इसमें अगर निकल गया तो ठीक, नहीं तो हमारे ऊपर लाखों का माल बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो लग रहा है, अभी आने वाले 2 दिन देखेंगे, उसके बाद में भी देखेंगे अब क्या होता है। तो पर लगता तो नहीं है ऐसा क्या होगा करके, क्योंकि आज की पूछ में इसमें एक भी गिराक दिख नहीं रहा है। बस ऐसी चलती फिरती चुटपुट गिराकी दिख रही है। ऑनलाइन शॉपिंग बंद करने को होना और हमारे छोटे व्यापारी को बढ़त देने को। देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे नोटबंदी, कोरोना और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। कृषि में, फसल पानी में लोगों का नुकसान, वो भी एक वजह हो सकती है। बढ़ावा नहीं, उस पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, दिन भर टैक्स भरते हैं, हम लोग रोजगार देते हैं लोगों को, ये सब चीज़ें हैं जिसकी तरफ सरकार ने ध्यान देना।